मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। के चुनाव में उनको जूते मारे जाएंगे। दिल्ली की पब्लिक बहुत नाराज है और जो परेशान है ना, घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है घर की औरतों की, और जब वही परेशान है तो ये बताइए फिर उनको चुनाव में जिताएगा कौन? घर की औरतों ने ही मिलकर उनको जिताया था जो उन्होंने झूठे वादे किए थे। मगर आज जो औरतें हैं वो उनके दारू बेचने से, ठेके खुलवाने से, गंदे पानी से, छोटे छोटे बच्चों से परेशान है वो, तो वो बताइए उनको कैसे जिताएंगे? तो अब के जो चुनाव होने वाले हैं उनमें उनको सबक सिखाया जाएगा। पानी नहीं आता हमारे एल ब्लॉक संगम बिहार में, पानी नहीं है वहाँ पे, बांध से नीचे पानी है, ऊपर पानी नहीं है बांध पे, 3-4 हज़ार का पानी ले लेते हैं हम लोग, हमें पता हम कैसे घर चला रहे हैं अपना। सरकार को यही कहेंगे कि अब जो आने वाली सरकार है हमें पानी दे, हमें जिस चीज़ की जरूरत हमें वो चाहिए, है ही नहीं पानी। पानी पहले जो टैंकर आता था वो अभी बंद हो गए, अब सरकार प्राइवेट पानी लाना पड़ता हमें, 1000 रुपए का 1000 लीटर पानी बताओ। अब उसे चला लो जितने दिन चलाना होता है, जितने दिन यूज करोगे वो तुम्हारे ऊपर है, बताओ 3-4 हज़ार का 4-5 हज़ार का पानी हम महीने में यूज करते हैं। और गंदा पानी पी पी के पागल हो रहे हैं सब, बीमार हो रहे हैं। तिगड़ी में बहुत गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल भी पानी पीने लायक है ही नहीं तिगड़ी में, बिल्कुल भी। ऐसा आ रहा सर्फ जैसा सफेद एकदम नाला जैसा पानी, गंदा, शरीर और खराब हो जाता है सब पी पी के, पानी खरीद खरीद के पीते हैं, और क्या करें, यही कर रहे हैं। और कहीं कहीं पानी आ रहा है, कहीं कहीं बिल्कुल ही पानी नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, एक बूंद पानी नहीं आता, पाइप नहीं डले पानी के, तो पाइप नहीं आएगा कहाँ से, ये बताओ। केजरीवाल के लिए यही कहना चाहते हैं कि वो कुछ भी काम ढंग का नहीं करता है, बस गलत काम तो उनसे बहुत होता है और उनसे कुछ भी काम अच्छा नहीं होता है। और देखो छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ दिया है, स्कूल के, वो स्कूल की बात करते हैं, हमारे यहाँ स्कूल चले जाइए, स्कूलों में सिगरेट पी रहे हैं, स्कूलों में गांजा पी रहे हैं, और स्कूलों के बाहर दारू पी रहे हैं। दारू तो उन्होंने जगह जगह पे ठेके खुलवा दिए हैं, जगह जगह पे गलियों में दारू बिक रही है, एक के साथ एक फ्री करवा दिए। ये हमारी माता बहनें खड़ी हुई हैं, इनके दिल से पूछिए, इनके बच्चे दारू पियेंगे तो क्या होगा ये इस संसार का, इस धरती का क्या होगा, बिगड़ेगा इससे ज़्यादा, और कुछ नहीं होगा। बस जगह जगह पे पहले पढ़ाई भी तो अच्छी होती थी, अब तो तुम कहीं भी पढ़ाई में भी चले जाओ, कोई सा भी बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी नाम के, सिर्फ नाम के स्कूल खोल ले। इससे बढ़िया तो जो गांव के चले जाओ, जो तख्ती हो तख्ती वक्ती पे पढ़ते हैं ना, जो तख्ती और उस पर पढ़ते हैं वो उनसे ज़्यादा जानते होंगे, जो दिल्ली के जो आज के पढ़ रहे हैं। पहले खाना भी इतना अच्छा मिलता था, और आज का खाना देख लीजिए। नहीं, स्कूलों में पहले खाना मिलता था, अब वो भी स्कूल में खाना नहीं मिलता, इतना बेकार खाना मिलता है कि बच्चे खा नहीं रहे। बच्चे पढ़ाई में कुछ नहीं है, पढ़ाई सही नहीं है बच्चों की आजकल, पहले जैसे पढ़ाई तो है ही नहीं है। और पहले तो बच्चों के स्कूलों में से पैसे भी आते थे, अब तो बच्चों को स्कूलों में पैसे भी नहीं मिलते हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है ये बताइए आप। वो पैसा जनता को करोड़ों करोड़ रुपये दे रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या अपनी जेब से भर रहा है वो केजरीवाल?